इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेक कुमारी विवेक कुमार तिवारी जी मौजूद हैं और ये इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट आया है उसमें इनका जो मार्क्स है एटी एटी प्लस है तो हमने चाहा कि इनकी तैयारी कैसी रही इनसे ही जाने ताकि और भी जो बच्चे ट्वेल्व की तैयारी कर रहे हैं उनको इनसे प्रेरणा मिले तो पहले तो हमारे चैनल की तरफ से हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपने जो तैयारी किया कैसे तैयारी किया और कितना नंबर आया नंबर आया आपको इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट में फोर हंड्रेड एट नंबर आया तैयारी बहुत ही अच्छा रहा कोरोना काल थोड़ा सा प्रॉब्लम था लेकिन फिर टीचर बहुत सारे टीचर हैं बसंत सर नीतीश सर जो बताते थे कि अच्छा से पढ़ना चाहिए मतलब समझाते थे वही हम उसी उन्हीं के लाइन पे फीलिंग आया उन्हीं के रास्ते पे चले तो चार सौ आठ नंबर आया मैं सर्वाधिक नंबर किस विषय में सर्वाधिक नंबर मैथ्स में है एटी सिक्स मैथ्स में तो मैथ का तैयारी आपने किस आधार पर किया कोरोना संक्रमण काल में तो जो भी शैक्षणिक संस्थाने थी वो बंद थी स्कूल भी बंद था और कोचिंग संस्थान भी बंद था तो आपने सारे विषयों सा, की तैयारी कैसे किया मैथ का तैयारी फिजिक्स का तैयारी केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी अंग्रेजी का तैयारी कैसे किया एक दो महीने के लिए कोरोना काल में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा फिर उसके बाद आपने जो टीचर जो थे जो आपको गाइडलाइन करते थे उनका सहयोग मिलने लगा जी और भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए यही रहेगा कि मतलब शुरू से ही अपना लगे रहें मतलब मिक्सिमम चार से पाँच घंटा छः घंटा तक तो पढ़े अपना हर सब्जेक्ट का तैयारी करें खास करके मैथ है मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है मैथ में बहुत अगर अच्छा करना है नाइन्टी क्रॉस करना है तो मैथ मैथ सब्जेक्ट का भी परफॉर्मेंस अच्छा रखे मतलब स्टडी करते रहें कंटिन्यू जी कंटिन्यू करते रहें पेरेंट्स का और टीचरों का क्या सहयोग रहा आपके रिजल्ट में पेरेंट्स का बहुत ही सहयोग रहा मेरे बड़े भैया हैं उनका भी सहयोग रहा पेरेंट्स का भी रहा कि मतलब पढ़ाई अच्छे ढंग से कीजिए फिर टीचर का भी सहयोग रहा मेरे गांव में एक मंजीत सर हैं उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा जो भी गलती करते थे मतलब थोड़ा सा लापरवाही करते थे ढंग से बताते थे कि पढ़ाई करना चाहिए जो इंटर की तैयारी कर रहे हैं इस बार छात्र उनके लिए क्या संदेश रहेगा क्या चाहते हैं कि वो भी बच्चे 400 प्लस नंबर लाएँ टॉपर करें तो क्या मतलब वो तैयारी किस लेवल के करें घंटों में बांट के हैं आपने तो जैसे बताया कि वो मैथ को रिपीट करें बाकी अन्य सब्जेक्ट की तैयारी अन्य सब्जेक्ट का कहने का मतलब है कि अपना हर हर दिन ये नहीं है कि आज मैथ केवल पढ़ेंगे ये ऐसा कोई नहीं हर दिन अपना ऑल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश इस सबका अपना अलग अलग टाइम को रखें कि इतना से इतना टाइम में फिजिक्स पढ़ना है इतना से इतना टाइम में मैथ्स इतना से इतना मतलब हर हर दिन मतलब सभी विषयों को पढ़ते रहें तभी वो अच्छा कर पाएंगे और उम्मीद है कि वो अगर ऐसा करे तो चार सौ प्लस के मुकाम तक पहुँच जाएंगे सेल्फ स्टडी और टीचर मतलब एक टीचर के यहाँ जाके पढ़ना और सेल्फ स्टडी में दोनों में बेहतर कौन होता है बेहतर बेहतर टीचर के पास ही होता है कारण है कि टीचर जो मतलब रास्ते को बताते हैं अपने से तैयारी करने पर थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन टीचर बहुत ही अच्छा से समझा के पढ़ाते हैं इसीलिए हमारे नज़र में टीचर ही अच्छा है सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए लेकिन टीचर से पढ़ें अच्छा रहेगा आपके इस सफलता में सर्वाधिक योगदान किस गुरु का है सर्वाधिक योगदान मेरे बसंत सर विद्या मंदिर से अभी समझाते थे कि बढ़िया से परफॉर्मेंस पढ़ो टेस्ट में नंबर अच्छा लाओ मतलब सर्वाधिक अधिक मतलब मैथ का टीचर हैं बसंत सर उन्हीं का रहा ठीक बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स पर बने रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें बहुत बहुत धन्यवाद